हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डिंपल। मेरी रेसिपी में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं हॉट एंड सार सूप। क्योंकि बारिश का मौसम शुरू हो चुका है तो ऐसा सूप पीने के लिए मिल जाए तो मज़ा ही कुछ और होती है। सबसे पहले रखेंगे हम पैन, उसमें डालेंगे हम तेल, उसमें डालेंगे हम अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। ये सूप मैं आपको चार जन के लिए बनाना बता रही हूँ। इसको हम अच्छी तरह से भुनेंगे इस तरह से। फिर हम डालेंगे कटी हुई गाजर, प्याज और पत्ता गोभी। इन सभी चीज़ों को हमें थोड़ी देर के लिए गूंदना है। इस तरह से गूंदने के बाद हम डालेंगे पानी। पानी डालने के बाद हम डालेंगे इसमें सोया सॉस, विनेगर, काली मिर्च पाउडर और नमक। नमक हमें ध्यान से डालना है स्वाद अनुसार, क्योंकि सोया सॉस में भी थोड़ा नमक आता है। इसके लिए इस तरह से हम इसको उबाल आने देंगे। तब तक हम उबाल आए तब तक हम इन्हें कॉर्नफ्लोर की स्लरी बना लेते हैं। स्लरी बनाने के लिए मैंने लिया है 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और इसमें डालेंगे हम पानी। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने स्लरी बना ली है और हमें गैस को फास्ट करना है। और इस तरह से स्लरी बनाने के बाद हमें इस स्लरी को थोड़ा थोड़ा कर कर इसमें डालना है और हमें साथ में हिलाते भी जाना है, जिससे हमारी स्लरी के गट्ठे ना पड़े। इस तरह से हमें डालना है। हमें इस तरह से हिलाते ही रहना है। अगर आप हिलाना छोड़ दोगे तो जो क्लोन फ्लोर डाला था वो उसके गट्ठे पड़ जाएंगे। इसके लिए जब तक उबाल आए तब तक हमें इसको हिलाते ही रहना है। ये 5 मिनट के लिए उबाल लेना है और हमारा हॉट एंड सर्व सूप रेडी हो चुका है। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।